शिवाय मस्तुभ्याम, हर हर महादेव। कैसे हो दोस्तों? दोस्तों आज हम आपके लिए पौष शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि का एक विशेष उपाय लेकर आए हैं, जो कि दिन शुक्रवार को आ रही है। ये लंबे समय के बाद भरणी नक्षत्र में आएगी, जिसमें साध्य योग के साथ साथ शुभ योग रहने वाला है। तो आपने इस दिवस पर एक विशेष उपाय अपनी समस्या तो वश्य कर लेना है। हमारे चैनल पर रोजे 3 से 4 उपाय डलते हैं, आप अपनी समस्या तो एक विशेष उपाय वश्य कर लीजिएगा। आज इस वीडियो के माध्यम से हम जो आपके लिए उपाय लेकर आए हैं, यह विशेषकर धन प्राप्ति का उपाय है। यदि आपके जीवन में आर्थिक तंगी बहुत है, तो अपने जीवन की धन संबंधी समस्याओं से छुटकारा प्राप्ति के लिए इस उपाय को आपने अवश्य कर लेना है। तो आइए बिना किसी देरी के इस उपाय को समझ लेते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले हम आपको बता दें, हमारे चैनल पर प्रदीप मिश्रा जी के उपाय बताए जाते हैं, जिनको हम एक एनिमेशन वीडियो तैयार करके आपको प्रैक्टिकली समझाएंगे किस प्रकार से आपने इस उपाय को करना है, ताकि किए गए उपाय का आपको 100% फल मिल सके। वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जिनको इस वीडियो की जरूरत है, वहाँ तक जरूर शेयर भी कर दीजिएगा, ताकि उनके भी जीवन की समस्याओं का समाधान हो सके और आपको भी। तो आइए बिना किसी देरी के इस उपाय को समझ लेते हैं। इस उपाय को करना बेहद ही सरल है। इस उपाय को करने के लिए आपको जरूरत होगी एक देसी घी के दीपक की, जो कि लंबी बाती का होना चाहिए। साथ में आपको जरूरत होगी एक हरी इलायची की। इन सामग्रियों से आपने इस उपाय को करना है। इस उपाय को करने के लिए आपको पहुंच जाना है तुलसी जी के पौधे के पास, किंतु यह उपाय आपने शाम के समय में करना है, जब सूर्य अस्त हो जाएगा उसके बाद ही आपने इस उपाय को करना है। वहाँ पर सबसे पहले आपने यह दीपक प्रज्वलित कर देना है। कोशिश करनी है कि यदि आप दीपक या जमीन पर प्रज्वलित कर रहे हो, तो उसके नीचे आप कुछ अन्न के दाने वश्य रख लें। आप चाहो तो चावल के दाने रख लें, आप चाहो तो किसी भी प्रकार के अन्न के दाने रख लें, किंतु यह खंडित नहीं होने चाहिए। अब उसके बाद आपके पास जो यह एक हरी इलायची होगी, आपने अपने जीवन की समस्या, नाम और गोत्र लेकर आपने तुलसी माता के समक्ष में कह देनी है, और वहाँ पर आपको ओम महालक्ष्मी नमः मंत्र का 11 बार जाप करके आपने इस हरी इलायची को इस दीपक में डाल देना है। कहते हैं कि जो भी शुक्रवार के दिन एक हरी इलायची 11 बार ओम महालक्ष्मी नमः मंत्र का जाप करके दीपक में डाल देता है, उसके जीवन की धन संबंधी समस्या तो दूर होती ही है, माँ लक्ष्मी की कृपा भी प्राप्त होती है, धन के नए नए साधन भी आते हैं, और हमेशा ही घर में स्थायी लक्ष्मी का वास होता है। तो अपने जीवन की धन संबंधी समस्या से हमेशा अगर छुटकारा पाने के लिए इस विशेष उपाय को अवश्य कर लीजिएगा। जानकारी अच्छी लगने पर वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे, कॉमेंट सेक्शन में हर हर महादेव और श्री शिवायन मस्तुभ्याम लिखना नहीं भूलेगा। यदि चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करते हुए नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलेगा, ताकि वीडियो अपलोड होती आपको वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। श्री शिवाय मस्तुभ्याम, हर हर महादेव। मिलते हैं अगली वीडियो में।